हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। थंबनेल को देखकर आप सभी समझ गए होंगे कि मैं आज किस टॉपिक पर आपसे बात करने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप भी रैपिडो में ये गलती करेंगे तो दोस्तों आपकी आईडी भी सस्पेंड हो सकती है, यानी कि आप जो गलती करेंगे रैपिडो आपकी आईडी को सस्पेंड कर देगा, यानी कि बंद कर देगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल करके ऑन कर दें। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट एंड अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, थंबनेल तो आप देख करके समझ ही गए होंगे क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो चुकी है दोस्तों। अभी एक या दो दिन पहले की बात है दोस्तों, करीब रात के 11 या 11:30 के आसपास की बात है दोस्तों। मेरे पास एक राइड आई रैपिडो में, जिसमें कि मैंने होम लगाया हुआ था। पता नहीं है रैपिडो ने कैसे ये दिक्कत की मेरे साथ में कि मुझे जो था एक राइड भेजी जिसका पिकअप लोकेशन मेरे से 9 किलोमीटर दूर था दोस्तों। उस कंडीशन में मैंने वो राइड को कैंसिल नहीं कर पाया क्योंकि दोस्तों मैं ऑलरेडी पहले से 2 राइड कैंसिल कर चुका था, क्योंकि रैपिडो जो है आपको 24 घंटे में 24 हावर्स में केवल 2 राइड कैंसिल करने का ऑप्शन देता है। उसके बाद अगर आपको राइड कैंसिल करनी है तो आपको सीधा या तो कस्टमर से बात करनी पड़ेगी, नहीं तो आप सीधा कस्टमर केयर पर बात कीजिए कि हमें ये प्रॉब्लम है, हम इस राइड को कैंसिल नहीं कर सकते। और टाइम हो रहा था उस वक्त दोस्तों 11:30 बजे का। तो मैंने पहले कस्टमर केयर पर बात की, कस्टमर केयर पर बात करने के बाद वहां से कोई रिस्पांस नहीं मिला क्योंकि 11:30 बजे मेरी कस्टमर केयर से बात नहीं हो पाई दोस्तों। उस कंडीशन में मैंने कस्टमर से बात की, कस्टमर से बात करने पर कस्टमर ने राइड कैंसिल करने से मना कर दिया। तो उस कंडीशन में कस्टमर ने थोड़ा मेरे से मिसबिहेव किया। मिसबिहेव करने के बाद मैंने वो राइड को ना तो कंप्लीट किया ना कुछ, वो ऐसी जैसी मेरे पास राइड पड़ी थी ऐसी मैं अपने घर आ गया। उसके बाद जैसे ही मैं अपने घर आता हूं, मेरे पास रैपिडो से एक कॉल आती है। वो कहते हैं कि आपने कस्टमर से मिसबिहेव किया है। ठीक है दोस्तों, मैंने उस टाइम क्या था कि कस्टमर से जैसे जो भी मेरी बात हो रही थी वो मैंने रिकॉर्ड कर ली थी। मैंने कस्टमर केयर वालों को बताया कि भाई ऐसे से बात है, मुझे वो राइड काफी दूर थी, पिकअप लोकेशन मुझसे काफी दूर था और मैंने कस्टमर से कोई मिसबिहेव नहीं किया और उसकी मेरे पास में रिकॉर्डिंग है, ये मैंने कस्टमर केयर वालों को बताया। वो मान गए मेरी बात को, उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। उसके बाद दोस्तों फिर से मेरे पास 2 दिन बाद फिर से मेरे पास कॉल आती है कस्टमर केयर से। वो कहते हैं फिर से वही आईडी, मतलब फिर से वो ही जो मेरे पास राइड आई थी, राइड नंबर उन्होंने बताया कि ये आपने उस तारीख में एक राइड ली थी, उनसे आपने एक्स्ट्रा पैसे की डिमांड करी है। तो पहले तो उस कस्टमर ने मेरे पर मिसबिहेव का ब्लेम लगा करके कंप्लेंट करी, फिर 2 दिन बाद एक्स्ट्रा मनी यानी कि एक्स्ट्रा पैसे की कंप्लेंट करके कस्टमर केयर पर की। तो उससे फिर से मेरे पास कॉल आया कस्टमर केयर का, मैंने फिर से वही बातें एक्सप्लेन करी दोस्तों। तो अगर दोस्तों मैं यहां पर अगर गलत होता, मैंने सब कुछ सही तरीके से मेंटेन ना किया होता तो इस कंडीशन में दोस्तों मेरी आईडी सस्पेंड हो जाती। तो दोस्तों आप भी ये गलती बिल्कुल भी ना करें और कस्टमर से कोई भी मिसबिहेव ना करें। अगर आप उस राइड को नहीं लेना चाहते हैं या तो आप जैसे आपने 24 घंटे में 2 राइड कैंसिल नहीं करी है तो आप उसे सीधा सीधा कैंसिल कर दें या कस्टमर से प्यार से बातें करके उस राइड को कैंसिल कर दें। तो दोस्तों कभी भी आपको कस्टमर से मिसबिहेव नहीं करना है दोस्तों। बाकी दोस्तों यही एक जानकारी थी, वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें एंड वीडियो को शेयर करें दोस्तों।